हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल. दिस इज मन्ना एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल टेक यू ओनली 1.5 मिनट्स और अराउंड 2 मिनट्स, बट प्लीज़ वॉच द वीडियो फुली जस्ट बिकॉज सो मैनी मैसेजेस आई एम रिसीविंग फॉर द सेम डाउट. एंड दैट इज़ कि हम जब करते हैं, जैसे मैथ्स में हमारी एक तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है, दूसरी ये चीज़ कि हम किसी टॉपिक में वीक फील कर रहे हैं कभी कभार. तो सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऐसे हैं जो इनइक्वालिटी टाइप के भी उसमें टॉपिक में वीक फील कर रहे हैं. तो उनका ऐसा होता है कि क्या हम उसको दोबारा से करें, क्या हम उसी चैप्टर को फिर से करें. जैसे मान लो आप मैथ्स में किसी चैप्टर को लेकर आपको डाउट है, अब क्या होता है कि हम उस चैप्टर को दोबारा करें? नहीं, हमें चैप्टर एक बार होने के बाद में आप चाहे किसी मर्जी टीचर से पढ़ लो, आपका उसको करने के बाद में प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे जब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे. ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आपको जिस भी चैप्टर में, पर्टिकुलर में, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें. ओके, बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है. फॉर दैट आई एम सजेस्टिंग द बेस्ट वन और हाई लेवल के क्वेश्चंस आप, मैं बताऊंगी कि जो मीडियम टू हाई हो, जिसको करने के बाद में आपको इजी तो अपने आप हो ही जाएंगे, तो एग्जाम प्रॉब्लम फेस नहीं हो, ठीक है. एक आपके अंदर यहीं पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपका कि ओके, मैंने इस लेवल का क्वेश्चन किया तो आगे भी मैं एग्जाम्स में इजिली कर लूँगा और आप कर लोगे, 100% श्योरिटी मैं दे रही हूँ इस चीज़ की. सो करना कैसे है, अब बात आती है कि करें कैसे. मान लो आज मैंने कोई भी टेस्ट लगाया, फुली मॉक टेस्ट लगाया, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो. सिंपल सी चीज़ है. अब प्रॉफिट एंड लॉस का मैं पूरा चैप्टर तो दोबारा लेकर नहीं बैठूंगी ना, और फिर वहाँ पर बात आती है कि हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को कहाँ से करें. सो दैट्स व्हाई आप सिर्फ ना, अगर आप स्मार्ट कीड़ा पर हो और अगर आप सारे मॉक टेस्ट या बहुत सारे ले रहे हो, तो ओनली टॉपिक टेस्ट के साथ भी जा सकते हो. इसमें आपको देखो 150 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द ईच सेक्शन और फॉर द ईच सब टॉपिक. तो आप एक बात बताओ, 150 क्वेश्चंस करने के बाद में क्या आपका और भी डाउट रह जाता है कि नहीं अब कैसे होगा, अब कहाँ से करें? नहीं रहेगा. आप 150 क्वेश्चंस को करो तो सही. इट मे बी इट टुक टाइम्स, जैसे 7-7 मिनट के टेस्ट हैं, आप अगर डेली 15 मिनट भी देते हो तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है. विद इन द वन मंथ आप अपने जो वीक एरियाज हैं उनको बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है. अब मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, इस पर इम्प्लीमेंट करना अब आपके हाथ में है. अगर आपको ठीक लगे देन गो विद इट, एंड श्योरिटी मैं दे रही हूँ आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा. आपको एक कॉन्फिडेंस ही मिलने वाला है इसके बाद में. एंड अदर देन दिस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अब मान लो इंग्लिश में भी बहुत से बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसीज नहीं हो रहे हैं, तब तक नहीं होंगे जब तक आप उसको करोगे नहीं. होंगे तो तब ना जब आप उसको करना स्टार्ट करोगे. तो डेली एक एक आप आरसी करो, ठीक है. इसमें आप देख सकते हो 20 मतलब आरसीज 30 हैं, ठीक है. तो आप 30 आरसीज कर लोगे, उसके बाद में 31st जब करने लगोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ हमने इतने आरसीज कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, तो ये भी हो जाएगा. होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अदर देन दिस देन कमेंट बिलो द वीडियो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर्स करूँ. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.